मैं अपनी तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से, हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से हरियाणा वासियों को आज के दिन योगा दिवस 21 जून की बधाई देता हूं। और हमें आज जानकर खुशी है कि पूरे विश्व के अंदर आज का दिन एक त्यौहार के रूप में मनाया जा रहा है, लोग योगा कर रहे हैं। 200 से ज़्यादा देशों में आज पूरे विश्व में योग कर रहे हैं लोग, और योग करके निरोग रहने की कोशिश में आज पूरा विश्व लगा हुआ है। क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपनी तरफ से यही कहेंगे कि हमें योग करना चाहिए, निरोग रहना चाहिए। योग तो आज बाबा रामदेव जी ने एक व्यवसाय के रूप में भी इसको स्थापित कर दिया है, जिसमें लाखों बेरोजगार साथियों को रोजगार मिलता है, चाहे वो दुकानदारी के माध्यम से है, चाहे फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में काम करके है, और चाहे योग प्रशिक्षक के रूप में भी। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इस साल में 900 से ज़्यादा और 1000 से कम नई व्यायामशालाएँ बनाएंगे और योग प्रशिक्षकों को भी भर्ती करेंगे। इससे आज नई जनरेशन में एक रोज़गार के भी साधन उपलब्ध हो रहे हैं। आज का जो 10th इंटरनेशनल योगा डे है वो यहाँ पे मनाया गया कैथल के अंदर, तो सिग्नस हॉस्पिटल और उसकी पूरी टीम ने यहाँ पे पार्टिसिपेट की है, और मेडिकल की जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी सिग्नस हॉस्पिटल की तरफ से आज दी गई हैं। तो हम सभी कैथल वासियों को और देशवासियों को ये कहना चाहते हैं कि योगा करें, योगा के साथ जुड़ें, और इस साल का जो थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड फॉर द सोसाइटी, तो उसको फॉलो करते हुए सोसाइटी और खुद के लिए भी अपना योगा का स्टार्ट किया जाए। कितना फ़ायदा होता है योगा? योगा करने से अल्टीमेटली, अगर आप हमसे पूछ रहे हैं, क्योंकि हम डॉक्टर लाइन से हैं तो हमें पता है कि अगर आप क्यूरेटिव की जगह प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए, तो जो योगा है वो बेसिकली प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है कि बीमारी को होने से पहले रोकने की चीज़ है, तो योगा करने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है।